नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्थिति। देखिए, तारीख है 9 अगस्त और दिन के बज रहे हैं 2। तो आपको मालूम है, हमने एक घंटा पहले ही बताया था कि बिहार में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट चुका है। तो अब क्या होगा, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो बीजेपी ने क्या तैयारी शुरू की है, देखिए। आज सुबह तक नीतीश कुमार विकास पुरुष थे। नीतीश कुमार का डेवलपमेंट मॉडल बीजेपी को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन शाम 5 बजे के बाद ये बीजेपी नेता कहना शुरू करेंगे, नीतीश कुमार आप तो पलटू राम हैं, आप तो अवसरवादी हैं, आप तो मौका प्रस्त हैं। तो देखिए, राजनीति कैसे बदलती है। 2017 में जब नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ हुए थे, तो आरजेडी के समर्थकों ने कहना शुरू किया था कि नीतीश कुमार पलटूराम है। और आज जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर फिर से महागठबंधन में जा रहे हैं, तो बीजेपी वाले कहना शुरू करेंगे कि नीतीश कुमार तो पलटूराम है। नीतीश कुमार का अपना तर्क है, हमने बीजेपी को क्यों छोड़ा, बीजेपी हमको खत्म करने में लगी थी, बीजेपी हमारे विधायकों का सौदा कर रही थी, हमारी सरकार को अपदस्त करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बीजेपी भी जवाब देगी, बीजेपी कहेगी आप सरकार चला नहीं पा रहे थे, बीजेपी कहेगी कि हम आपको बार बार अलर्ट कर रहे थे। नीतीश कुमार कहेंगे आपके जो नेता हैं वो इस तरीके का माहौल बनाते थे कि बिहार की सूरत बिगड़ जाती थी, बिहार में शांति भंग होने की तैयारी की जाती थी और सीधे मुझे ललकारा जाता था। और कैसे कैसे नेताओं के द्वारा, जिनका कोई वजूद नहीं, वैसे नेता नीतीश कुमार कहेंगे कि ऐसे ऐसे लोगों को मेरे साथ किया गया जो राजनीतिक रूप से परिपक्व थे ही नहीं। तो देखिए, बीजेपी की तैयारी चल रही है। डिप्टी सीएम, अभी हम इसलिए डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि अभी तक दिन के 2 बजे तक न तो इस्तीफा हुआ है न बर्खास्ती हुई है। तो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के घर पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता जुटे हुए हैं। राधा मोहन सिंह को इस बार नीतीश कुमार पर अटैक करने की जिम्मेवारी दी गई है कि आप इसे लीड कीजिए। राधा मोहन सिंह वहां पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के पुराने नेता हैं, लेकिन अब तक सुशील कुमार मोदी के पहुंचने की खबर नहीं है। सुशील कुमार मोदी का नाम हमने इसलिए लिया कि जब 2015 में महागठबंधन बना था, तो सुशील कुमार मोदी ही थे जो रोज लालू परिवार का कच्चा चिट्ठा खोलते थे। लेकिन 2020 में जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तो सुशील कुमार मोदी की विदाई भी कर दी गई थी, उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनने दिया गया था। देखिए, संजय जायसवाल अब कहेंगे बिहार में अपराध बढ़ रहा था, पुलिस प्रशासन किसी की सुनता नहीं था, जनता की सुनवाई नहीं होती थी, हम आपको सचेत करते थे तो आपको बुरा लगता था। संजय जायसवाल कहेंगे बिहार में आतंकी गतिविधियां बढ़ रही थी, स्लीपर सेल तैयार हो रहा था, हम कहते तो आप सुनते नहीं थे। संजय जायसवाल बोलेंगे कि बिहार में शराबबंदी फेल था, हम आपको रिव्यू करने को कहते थे, सुधार करने को कहते थे, तो आप सुनते नहीं थे। तो आपने सुनने की जगह, सुशासन की जगह, फिर से जंगल राज वालों के साथ हाथ मिलाया है। तो अब नीतीश कुमार को पलटू राम कहे जाने की पूरी तैयारी बीजेपी की ओर से हुई है। आप यदि सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आरजेडी समर्थक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपने भूल सुधार कर लिए हैं, मतलब जो गलती 2017 में हुई थी वो गलती 2022 में उन्होंने सुधार ली। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं, और देखिए कहा भी जाता है कि राजनीति में चरित्र और चाल कब बदल जाता है, परिस्थितियों के दास होते हैं। तो नीतीश कुमार, जो बैठक हुई जेडीयू के विधायकों की, वहां इस बात की चर्चा हुई, वहां उस ऑडियो रिकॉर्ड की चर्चा हुई कि इस बात के प्रमाण हैं कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा था, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा था कि आप सरकार गिराइए, नई सरकार बनाइए, नीतीश कुमार को अपदस्त कीजिए, तीर को मुरझाइए, तो इसे कैसे बर्दाश्त करते। तो शाम 5 बजे के बाद से बीजेपी नीतीश कुमार पर हमला बोलना शुरू करेगी। संभव है विभिन्न जिलों में, बिहार के सभी जिलों में पुतला जलाया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अब बिहार नए नारों के लिए तैयार है। जिस तरीके से आरजेडी ने नारा दिया कि तैयार रहिए,
लालटेन धारी आ रहे हैं। जिस तरीके से लालू यादव की बेटियों ने तेजस्वी भवह का नारा दिया है, उसी प्रकार अब बीजेपी तो नारा तुरंत करती है। तो नई स्थितियां, नई परिस्थितियां शाम 5 बजे के बाद आपको दिखने को मिलेगी, नए नारे सुनने को मिलेंगे। देखते रहिए, हर खबर सबसे पहले आपको अपडेट करेगा लाइव सिटीज। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।